गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फूड एंड लाइफस्टाइल में। तो आज हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाते हैं बढ़िया सा, जो कि है ओट्स विद लॉलीपॉप। तो चलिए देखते हैं मुझे किन किन सामानों की जरूरत है। उसके लिए ले लिया है मैंने एक कटोरी ओट्स, साथ ही साथ मैंने कुछ सब्जियां कट कर ली हैं, उसमें अदरक और हरी मिर्च थोड़ी कट कर ली है, एक बड़ा प्याज बारीक काट लिया है, एक शिमला मिर्च कट कर ली है, साथ ही साथ एक गाजर और एक बड़े टमाटर को काट के अच्छे से मैंने रख लिया है। अब पैन चढ़ा देती हूँ, इसमें डाल देंगे सबसे पहले एक चम्मच ऑलिव ऑयल और उसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं मीडियम आंच पे। और अच्छे से अब मेरा ये गर्म हो गया है। अब सबसे पहले मैं डाल दूँगी इसमें अदरक और हरी मिर्च। डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसको भून लूँगी 30 सेकेंड करीब, और ये भुन गया है। अब मैं डाल दूँगी प्याज, और प्याज को भी डालकर मैं मीडियम आंच पे लगभग 1 मिनट भूनूंगी। इसको मुझे लाल नहीं करना है, बस मुझे इसका कच्चापन दूर करना है। और बस 1 मिनट में देखिए ये बढ़िया सा भुन गया है। और अब मैं डाल दूंगी इसमें गाजर और साथ ही साथ शिमला मिर्च। और गाजर और शिमला मिर्च डालने के बाद मुझे इसको भूनना है मीडियम आंच पे, क्योंकि गाजर को पकने में थोड़ा सा समय लगता है। इसलिए इसको 1 मिनट डालने के बाद इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से भूनूंगी। गाइस, ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है, बहुत ही कम ऑयल में बना हुआ रेसिपी है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब साथ ही साथ मैं डाल देती हूँ टमाटर, और सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसको अच्छे से भून लूँगी ताकि सारी सब्जियाँ आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका फ्लेवर इसमें बढ़िया सा आ जाए। तो लिखिए ये अच्छे से मेरा भुन गया है, और अब गैस को मैं स्लो कर देती हूँ। और अब मैं अब इसमें थोड़े मसाले डालूँगी। तो मसाले में सबसे पहले मैं डाल देती हूँ लगभग आधा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही साथ डाल दूँगी आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी मैं आमचूर पाउडर, और साथ ही साथ लगभग आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। डालने के बाद मैं स्लो गैस पे इसको थोड़ा सा भूनूंगी ताकि सारे मसाले मेरे इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए ये बढ़िया सा सब मिक्स हो गया है। और अब मैं ले लूँगी इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, लगभग आधा चम्मच नमक डाल दिया है। और डालने के बाद सारी चीज़ों को फिर से मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ धीमी आँच में। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, देखिए कितना अच्छा सा कलर भी आ गया है। अब मैं जो ओट्स रखी थी वो डाल ओट्स डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा इसी में भूनूंगी। देखिए कितना अच्छा सा कलर अभी से आ गया है। और इसके डालने के बाद मैं अच्छे से भून लेती हूँ, सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से इसमें मेरी मिक्स हो गई हैं। और अब मैं डालूँगी इसमें पानी। तो ओट्स थोड़ा फूलता है तो पानी इसमें मुझे अंदाज से डालना है। इसमें पानी मैं डालूँगी लगभग 1.5 कटोरी। तो इस तरह से अब मैं गैस को बिल्कुल स्लो कर देते हैं, और स्लो गैस पे मैं पानी डालूँगी। तो सबसे पहले मैं डाल देती हूँ इसमें 1 कटोरी पानी, और अब ये लगभग 1/2 कटोरी पानी और डाल दिया है। अब गैस को मैं मीडियम कर दूँगी, और मीडियम गैस पे इसको लगातार मुझे चलाते रहना है ताकि ओट्स अच्छे से फूल जाए, पक जाए, और सारी सब्जियां आपस में मिक्स हो जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए मैंने इसे अच्छे से देखे इसको पका लिया है। तो बिल्कुल ये ड्राई होना शुरू हो गया है, और ये बिल्कुल एक डो के फॉर्म में ये आ गया है। इसी में मुझे अभी थोड़ा सा और ये गीला है, इसको और अच्छे से पका लेना है। तो देखिए बिल्कुल ये सूख के एक अच्छा सा ये डो मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी, और उसी में थोड़ा सा इसको छोड़ देती हूँ ताकि जो भी इसमें नमी होगी वो निकल जाएगी। तो देखिए ये सारा नमी निकल गई है। अब मैं ले लेती हूँ एक ऐसा कोई भी ट्रे, जो भी आप इसमें सेट करना चाहें, उसमें ऑयल स्प्रे कर दिया है। और इसके बाद मैं ये स्टफिंग को इसमें गरम गरम ही डाल दूँगी ताकि सेट हो जाए अच्छे से। इस तरह से सारी स्टफिंग को डालने के बाद मैं इसको अच्छे से प्रेस करते हुए इसको इसी में सेट करूंगी। तो देखिए जितना अच्छा पतला सा इसका ये दबाते हुए इसको मैं इसी ट्रे में सेट करूंगी। ये देखिए अच्छे सेट हो, देखिए कितना बढ़िया से मैंने इसको सेट कर लिया है। और इसके बाद अब मैं इसको रख दूंगी आधे घंटे के लिए साइड में ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब आधे घंटे बाद ये बढ़िया सा सेट हो गया है। अब मैं इसको किसी भी प्लेट में उलट के इस तरह से निकाल लेती हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया से मेरा ये निकल गया है।
अब मुझे इसके स्लाइसेस कर रहे हैं, तो एक शार्प नाइफ ले लिया है मैंने और उससे मैं इसका अच्छा सा इस तरह से लंबे लंबे स्टिक्स में मैंने इसको कट्स लगा लिए हैं। तो देखिए इसमें मैंने इस तरह से कट लगा लिया है और उसके बाद कोई भी इस तरह से आप स्टिक ले लीजिए, या स्पून है या आइसक्रीम स्टिक है, इस तरह से इसमें लगा दिया है। और लगाने के बाद अब मैं इसको गैस पर डाल देती हूँ पैन। पैन में डाल दिया है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और इसमें मैं सारे स्टिक को एक एक करके इसमें रख देती हूँ। और इसके बाद मुझे इसमें अच्छे से इसको सेकना है। तो देखिए सारा मैंने इस तवे पे मीडियम आंच पे अरेंज कर दिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी है। आप इसको सॉस के साथ सर्व करिए, चटनी के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप शाम के नाश्ते में भी इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको दबाते हुए उलट पलट के बढ़िया सा करारा लाल सेक लिया है। तो देखिए ये मेरे ओट्स विच लॉलीपॉप बिल्कुल बनके रेडी हैं। अगर आपको गाइस मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। थैंक यू सो